चर्चा हो गई थी, अब हम देखेंगे कि माइटोसिस एंड मियोसिस दो चीजें बात किसी के पास नहीं होता है तो मैं उसमें से देख के पढ़ाऊंगा। बहुत पुरानी में नहीं है, देखो होगा आपको पिछले साल अभी में था। थोड़ा समझते हैं फिर वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। जो भी है ह्यूमन सेल एज न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस विच कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 23 पेयर हैं, 23 नहीं है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यानी जैसे ये सेल है और सेल में ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम तो ये पेयर में होगा, फिर दूसरा होगा तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो ये चीज होगी, और फिर तीसरा भी हो सकता है वो छोटा हो सकता है। ये जो क्रोमोसोम का ह्यूमन क्रोमोसोम है इसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम चार्ट। दिल्ली में आपको एक पीरियोडिक टेबल खूब दिखती मिलेगी और दूसरा ह्यूमन जीनोम चार्ट, यानी जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं उनको अगर हम देखें तो किस तरीके से दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम चार्ट। लेट अस सी इट, हाउ इट लुक्स लाइक। अगर क्रोमोसोम को देखें अंडर माइक्रोस्कोप सो हाउ इट लुक्स लाइक, जीनोम चार्ट, सो लेट अस सी ह्यूमन क्रोमोसोम्स। Chromosomes frequently mentioned on the web include human genome, Y chromosome, chromosome 1, and others. ये ह्यूमन क्रोमोसोम, अगर हम इनकी सबकी काउंटिंग करें तो सब एक जैसे हैं, तो इसमें ये जो भी है ये 23 पेयर है, इसमें एक अंगू हमारे फादर से मिला है और एक एक किससे मिला है, मदर से, यानी हाफ जेनेटिक मटेरियल हमको फादर ने दिया है और हाफ जेनेटिक मटेरियल किसने दिया है, मदर ने दिया है। तो ये सारे क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जो 23rd क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम है, वो हमारा जेंडर दिखाई डिसाइड करता है, बाकी 22 क्या डिसाइड करते हैं, That is, they decide हमारा फीचर कैसा। जैसे आप और आपके भाई का चेहरा एक जैसा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीचर्स हैं वो किसके द्वारा डिटरमाइन है, That is determined by हमारी बॉडी के जो सोमा सेल्स हैं, यानी जो स्टेम सेल्स हैं, और जो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे स्पर्म्स हैं या एग हैं, तो वो सब उनमें क्या होंगे, उनसे हमारा जेंडर डिसाइड होगा वो हम समझने जा रहे हैं। लेकिन टोटल 23 पेयर्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को अगर कलर कर दिया जाए तो वो कुछ कुछ ऐसे बने, ये देखो ये कलर्ड क्रोमोसोम तो है यही, तो आप देख रहे हैं। तो जो 23rd है वो एक्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो फीमेल में जो 23rd है वो एक्स ही रहता है और मेल में एक्स या वाई हो सकता है, वो हम आगे देखें। लेकिन अभी ये 23 पेयर आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं, समझ आ गया। तो टोटल ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है बताइए, 23 पेयर्स हैं, ये देखो। तो ऐसे ऐसे करते हैं तो कितने हो गए,
23 चूंकि ये जोड़े हुए हैं तो इसको कहेंगे 2n क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? 2n क्रोमोसोम। अच्छा, इसमें हम दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एक हमारे फादर का कंट्रीब्यूशन है और एक मदर का कंट्रीब्यूशन है। तो जो फादर ने दिया है वो सिर्फ एक एक क्रोमोसोम है, उसमें 23 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम? पेयर में नहीं थे। कितने क्रोमोसोम थे? 23 क्रोमोसोम थे। और वो स्पर्म था, फादर के पास क्या था और मदर के पास क्या था? एग था। तो मदर के न्यूक्लियस में भी जो एग सेल होते हैं या स्पर्म सेल्स होते हैं, दैट इज द सेक्स सेल या जर्म सेल, उनको क्या कहते हैं? पूरी बॉडी में तो फुल क्रोमोसोम है, लेकिन जो जर्म सेल है, जो मेल गोनाड है या फीमेल गोनाड है, वहां पे कैसे सेल होते हैं? जैसे स्पर्म हुआ तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, या जो एग होता है उसमें क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें एक एग निकलता है और उस एग में आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, ये जो स्पर्म है ये इसमें फ्यूज कर जाएगा तो क्या फुल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा? अभी इसमें एन क्रोमोसोम है। बोलो कितने क्रोमोसोम है? एन क्रोमोसोम। मान लीजिए ये फादर थे हमारे और ये मदर है, तो इनमें भी ये नहीं होंगे, ये बॉडी के सेल नहीं है, ये सिर्फ सेक्स सेल है जो हम लोग के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं। ये 23 ये भी है, 23 क्रोमोसोम। अच्छा, अब देखो, कभी ये जो एग सेल है तो एग सेल में अगर क्या हो, बोलो, ये एक स्पर्म है, इसके पास भी एक न्यूक्लियस है और ये दोनों अगर आपस में फ्यूज कर जाए तो इनको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में ये इसके अंदर चला जाएगा और चला जाने के बाद क्या, इसमें जब अंदर चला जाएगा तो अपना न्यूक्लियस इंजेक्ट कर देगा और फिर वो दोनों न्यूक्लियस एक हो जाएंगे। तो अब जब न्यूक्लियस एक हो जाएंगे तो एन क्रोमोसोम इसका और एन क्रोमोसोम इसका, तो 23 पेयर नहीं बन जाएंगे और सब अपने जोड़े के पास चला जाएगा, पहला वाला पहले के साथ जोड़ा बना लेगा, दूसरा दूसरे के पास। तो इसको कहते हैं जायगोट। ये क्या कहते हैं? ये हम लोगों का फर्स्ट सेल है जो मदर्स बॉम्ब में पैदा हुआ, यानी माँ के गर्भ में जब हम पैदा हुए थे तो सबसे पहले हम जायगोट बने, वहीं अनाउंस हो गया कि हम लोग अब धरती पर आए, फिर वो मल्टीप्लाई होता गया। अब हम आगे देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई हुए, उसी को माइटोसिस या मियोसिस कहा जाता है। तो ये जायगोट हो गया। जायगोट में ये बताओ कि नोयल कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, एन या 2n? ये बताओ ये कैसा है? इसमें 23 है तो इसको कहेंगे एन क्रोमोसोम। इसको क्या कहेंगे? एन क्रोमोसोम। आधे ही तो है इसमें, तो जो आधे होंगे उसको हैप्लॉइड बोलना। ये कैसा है बताओ? और जब ये, अब ये डबल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस एक साथ, तो ये 23 पेयर हो गए ना, तो इसको डाइप्लॉइड बोलना। कैसा हो गया? डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड का मतलब इसमें 23 पेयर हो गए कि नहीं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो अब लिखिए कि हाफ अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय फादर और हाफ अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मदर टू द ऑफस्प्रिंग। इतनी बात समझ आ गई? लिखो इस बात को, हाफ अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय फादर एंड हाफ बाय मदर। सो जो फर्स्ट सेल ऑफ बेबी है उसको क्या कहते हैं? उत्कर्ष। सही कहते हो। सो इसका मतलब है कि व्हेन मेल स्पर्म, देख लो, ये कभी तुमने एक गुड़हल का पौधा देखा है? तो गुड़हल के पौधे में इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं और साथ में क्या होगा, ऐसे ये रेड कलर का होता है कि नहीं, तो हिबिस्कस। अब ये देखो, तो ये जो होगा ये पॉलन है, ये क्या है? और इसके अंदर रहेगा
और ये पॉलन अगर इसके अंदर से इसमें उड़ रहा है और ये गिर जाए इसमें, तो ये गिर गया तो ये इसमें भी तो वही चीज होगी कि यार इसमें नहीं मिल जाएगा। तो इनमें जो मेल है उसको पॉलन कहते हैं, और हम लोगों में जो मेल है उसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। स्पर्म का हम लोग ने दिखा दिया, पिछली बार दिखा था कि नहीं स्पर्म कैसा होता। तो अब जरा देखो, व्हेन मेल स्पर्म, या फिर क्या लिखते हैं बोलो, पॉलन, जबकि फीमेल में दोनों केसेस में इसे ओवम ही कहते हैं। यहाँ चाहे वो एनिमल एग हो तो भी ओवम कहलाएगा, और इसमें भी हो तो भी उसे क्या कहेंगे, ओवम। अगर बहुत सारे एग हो तो ओवा कहलाएंगे, जैसे हम लोग में एम लग जाता है और उसी को आ लगा देते हैं, तो वही चीजें करिकुलम करिकुला, ऐसे नहीं सिंगुलर प्लूरल पढ़ा, तो ये ओवम है। तो अब इनमें भी ऐसे ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो व्हेन पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन है, फ्यूजेस विद ओवम, देन इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड इट फॉर्म्स जायगोट। सुहाना रिपीट करो, जायगोट इट गेट फर्टिलाइज एंड फॉर्म। फिर उसके पास कितने फिर क्रोमोसोम होंगे, 23 होंगे, 23 तो ह्यूमन में होंगे, ऐसा ये नहीं कि पेड़ों में भी 20, किसी में 13 है, किसी में 14 है, किसी में 114 है, ह्यूमन में 23, सब में 23 है क्या, चींटी में 80 है, हाथी में 13 है, ऐसे सब में मत बोलो, बोलो 2n पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जितने भी होंगे उसका डबल होगा, उसका पूरा चार्ट है वो तुम नेट में चेक कर सकते हो कि किसके पास कितने, सिर्फ ह्यूमन में 23 है। अब देखो बंदर में ही 22 है, 22 से टूटा तब हम लोग ह्यूमन बन गए, तो इस तरीके से चिंपांजी में 21 है। तो इसलिए क्या कहोगे, तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 2n, ये ना बताओ कि कितने, क्योंकि हिबिस्कस में अलग है, गुड़हल में अलग है, गेंदा में अलग है, रोज में अलग है, तो वो भी बताना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा तो ये क्या होगा, व्हेन इट क्या होगा, फॉल्स नहीं, फ्यूजेस, अंदर ही चला जाए, क्या लिखोगी, फ्यूजेस भी, किससे फ्यूज कर जाए, ओवम। अच्छा ये जो ये है इनमें कितने क्रोमोसोम है, एन क्रोमोसोम, और इसमें भी कितने बोलो, इनकी प्लॉइडी कैसी है, हैप्लॉइड, और इसकी प्लॉइडी कैसी है, हैप्लॉइड, और इसकी प्लॉइडी कैसी है, डाइप्लॉइड। अब जरा देखो, तो जब ये मिल जाते हैं देन इट इज कॉल्ड निषेचन, हिंदी में बोलो निषेचन कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि इतना कठिन फर्टिलाइजर कौन याद कर सकेगा, निषेचन कहते हैं, समझ आ गई बात की नहीं। तो जब एक स्पर्म एग में चला गया तो उसको क्या कहते हैं, निषेचन, देन इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और फिर ये क्या बना देगा, कुमकुम, देन इट फॉर्म्स जायगोट, विच इज डाइप्लॉइडिक, वो कैसा है, डाइप्लॉइडिक, समझ में आ गया, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ ऑफ स्प्रिंग, यही उनका बच्चे का पहला सेल, दिस इज जायगोट, क्या होता है, दिस इज फर्स्ट सेल ऑफ ऑफ विच डिवाइड्स, वो लगातार डिवाइड करता रहेगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देगा, वो लगातार डिवाइड करेगा कि नहीं, विच डिवाइड्स, अब उसके डिवीजन को देखें, डिवाइड्स कंटिन्यूअसली एंड फॉर्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो डिवाइड करेगा लगातार और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देगा। अब देखो डिवाइड कर जाएगा, इतनी बात समझ आ गई, अब आगे की बात देखो, तो डिवीजन इन द सेल टेक्स प्लेस बाय टू मेथड्स, वो कौन से दो मेथड्स हैं बेटा अमन, सही कह रहे हो, जैसा कि अमन ने हम सब लोगों को बताया कि एक माइटोसिस होती है और दूसरा मियोसिस, सो डिवीजन इन द सेल टेक्स प्लेस
by two methods. पहला क्या है? माइटोसिस. और दूसरा क्या है? मियोसिस. लिखो मियोसिस. देखो माइटोसिस में जो सेल है मदर सेल, उसी की तरह दो सेल बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? माइटोसिस. हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही, जो सेल बन रहे हैं, वो माइटोसिस है. लेकिन हमारे जो गोनाड में बन रहे हैं, अब फीमेल के जो गोनाड यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वहाँ पर स्पर्म्स और ओवा ऐसे नहीं बन रहे हैं. वो किससे बन रहे हैं बोलो? मियोसिस से. अब पूरी बॉडी के सेल कैसे बन रहे हैं? माइटोसिस. ये लिखना होता है. तो ये कहाँ पे होती है? थ्रू आउट द बॉडी अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्या लिखोगे? थ्रू आउट द बॉडी अदर देन, लिखो जी आपको, थ्रू आउट बॉडी अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और ये कहां होता है म्यूसिस? अमन देखें थोड़ा सा इधर उधर का ध्यान, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर रहा. हाँ बोलो. अभी तक ये फोकस नहीं हो पाया अभी जब से क्लास में. हाँ बोलो सुहाना. इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अच्छा किसकी प्लॉइडी वन होती है अमन? हमने कहा था ना ये अभी फोकस नहीं करता, ये पूछ समझ ही नहीं पा रहे कि पूछा क्या था. किसकी प्लॉइडी वन है? ये बता ही नहीं पा रहे. बोलो सुहाना. किसकी प्लॉइडी टू है? दिव्या जाई बोल की, वो डाइप्लॉइडी है. और किसकी प्लॉइडी वन है? दैट इज गैमेट या सेक्स सेल. उन सब की प्लॉइडी क्या है? वन, क्योंकि उनमें हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो दो चीजें यहाँ पर बताई गई. चलो अब आगे देखें. नोट कर दिया? इसको नोट करो फिर आगे बताएं. नोट नहीं भी आते आज स्पेलिंग मिस्टेक. ऐसे तो तुम कभी नहीं सीख पाओगी, तुम उल्टा चल रही हो. होने तो स्पेलिंग मिस्टेक. समझेंगे माइटोसिस. माइटोसिस सो ब्रेकिंग डाउन द मदर सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल इज कॉल्ड माइटोसिस. व्हाट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ मदर सेल इनटू टू डॉटर सेल. इस कॉल हेलो. हाँ नमस्कार सर. हाँ जी हाँ जी. 6 बजे से. So, इस कॉल्ड उसे क्या कहेंगे? इस कॉल्ड
माइटोसिस, अब माइटोसिस का प्रोसेस है। मान लीजिए सबसे पहले ये सेल है, तो जब सेल होगा और जब डिवीजन होने वाला होगा तो जानते क्या होता है, न्यूक्लियस पूरा पड़ जाता है और वो किसको खा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स और लाइसोसोम्स, इन सबको खा जाता है, कुछ भी नहीं, सबको खा जाता है। कहता मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, सबको डाइजेस्ट करो, मेरा काम शुरू। अब इसके अंदर कौन कौन है बताओ, पूरा बढ़ गया, कोई सेल ऑर्गेनेल मत दिखाओ। इसके अंदर ये देखो कि अब मान लीजिए मैं सिर्फ दो क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ, एक क्रोमोसोम और एक और क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम, ठीक है, तो दो अलग अलग क्रोमोसोम है। अब जरा देखो कि इनमें ये जो दो क्रोमोसोम हैं ये खुलेंगे, इनका डीएनए खुल जाएगा, क्या होगा, टाइम जब डिवीजन होगा तो ये खुल जाएगा। अब खुलने के बाद जानते क्या होता है, खुलने के बाद ये जो ऊपर वाला है इसका भी डीएनए खुल जाएगा, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे सेल है, और सेल में अब डीएनए खुल गया है, तो जो ऊपर वाला ये धीरे धीरे खुल गया है डीएनए, ऊपर वाले का डीएनए खुलने लगा, इसी से तो खुलेगा, तो ये धीरे धीरे ये डीएनए है। हमने पहले भी बताया था कि इसमें क्या होता है, एडिनिन और गुआनिन ये सब होते हैं कि नहीं, अब ये चीज का फिर से रेप्लिकेशन होने लगेगी, भाई इनमें भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो क्या एक अलग से फिर बनने लगेगा, ये बताया था कि नहीं, एडिनिन में गुआनिन लग जाएगा, तो एक डीएनए से क्या दो डीएनए बन गया, क्योंकि एडिनिन पे क्या लगेगा साइटोसिन, एडिनिन पे थाइमिन और साइटोसिन पे गुआनिन, ऐसे लगता चला जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा दूसरा वाला भी खुलेगा, और दूसरा वाला खुलेगा तो कैसे बनाएगा बताओ, तो ये खुलकर इसमें भी ये दो अलग अलग डीएनए निकलते जाएंगे, और क्या उनमें भी ऐसे ऐसे एडिनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन होगा, और क्या उनके भी ऐसे रेप्लिकेशन होने लगेंगे, और यहाँ पर भी ऐसे रेप्लिकेशन होने लगेंगे, होगा कि नहीं, जब ये रेप्लिकेशन हो जाएंगे ये फिर से कंडेंस हो जाएंगे, हर एक के दो दो हो गए ना, तो अब इनमें क्या होगा, ये फिर से ऐसा हो गया, और इसके अंदर ये देखो ये जो चीज है तुम्हारे में दिखाई गई है कि हमारे में दो सेल है, एक माँ के द्वारा दिया गया है और एक पिता के द्वारा दिया गया, तो फेल में तो होगा हमारी बॉडी में। अब ये देखो जो दूसरा वाला है, तो हमने ये 2NH दिखाई दी, 2NH वैसे दो दिखाए सिंपली से दिख ले, 23 कौन दिखाए, तो ऐसे जैसे एक में हो रहा है तो क्या ऐसे ही दूसरे में भी होगा, तो दूसरा भी तो खुलेगा कि नहीं, और वो भी खुल जाएगा, और वो खुलने पर उसमें भी क्या ऐसे ऐसे नहीं बन जाएगा, ये जैसे पहले तो इनमें क्वाइलिंग है, अब क्वाइलिंग ये क्रोमोसोम है, तो खुलने लगा, और यहाँ पर भी ऐसे ग्रीन में भी खुलेगा क्या, और जो ग्रीन में खुलेगा वहां पर भी यही चीज होगी। अच्छा, जब ये खुलेगा क्वाइल, तो क्वाइल खुलने के बाद इसका भी एक अलग से बन जाएगा, और इधर वाले का भी एक ऐसे बनेगा कि नहीं, अब ये कंडेंस हो जाएगा, जब खुल के रेप्लीकेट होगा, इसको क्या कहते हैं, रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का प्रतिलिपिकरण, दैट इज क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और ये है 2N क्रोमोसोम। ये जो हमारी बॉडी के सेल हैं, इसको सोमा सेल कहते हैं या स्टेम सेल्स कहते हैं, तो स्टेम सेल्स कहते हैं, तो बॉडी सेल, एक सेक्स सेल होता है और एक सोमा सेल या स्टेम सेल या बॉडी सेल, जो आप कहना चाहते हैं, जो बॉडी में। अब जरा देखो, जब ये कंडेंस होंगे, तो कंडेंस होने के बाद ये कैसे हो जाएंगे, फिर से ये अब जेनेटिक मटेरियल में, तो ये ऐसे आ जाते हैं, है वही चीज, लेकिन ये दो अलग अलग हैं, यहाँ पे जुड़े हैं सेंट्रोमियर से, पहले एक था लेकिन अब दो हो गए, तो दो अलग अलग नहीं बन जाएंगे, ये एक जगह पे जुड़े हैं, ऐसा दूसरा वाला भी था, तो डबल अमाउंट है, तो एक ही धागे में तो नहीं आएगा, तो आपके बुक में फिगर यहां से शुरू है। अच्छा, हमने यहाँ से शुरू किया, लेकिन बुक में कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है। अच्छा, अब देखो इसके बाद दूसरा क्या है,
ये दूसरा वाला है, इनमें भी ऐसे सेंट्रियोल है। अच्छा ये हो गया, हाँ बोलो। सिर्फ आप लोगों में अमन ही बता सकते हैं कि इसकी प्लॉयडी क्या है, और किसी की हिम्मत नहीं। हमने कहा ही था, नोएल आप भी बोलो, इनपे भी मुझे भरोसा था। तो इन्होंने जैसे अमन और नोएल ने बताया कि टेट्रा प्लॉयडी है, तो यहाँ डुप्लीकेशन हो गया, तो अमाउंट डबल हो गया ना, दो से अभी कितने हो गए, उसी का दुगने से चार गुना हो गया, तो ये क्या हुआ बोलो, टूटना नहीं चाहिए। तो टूटने के लिए अब आगे का काम क्या होगा, यहाँ पर ये बीच में आ जाएंगे चारों, कौन चारों बीच में आ जाएंगे, इनको कहा जाएगा ये कि तुम बीच में सेल के बीच में परेड करो, अभी दिखाएंगे वहां वीडियो में, सेल के बीच में आएंगे, इनको कहा जाएगा इसे घिरे मत रहो चारों तरफ, बिखरे मत रहो, पहले कहां रहो ये ऐसे, और दूसरे वाले से भी क्या कहा जाएगा कि बीच में आ जाओ, ऐसे पूरे में रहेंगे, और फिर ग्रीन वाले से क्या कहा जाएगा कि आप भी बीच में आ जाइए, सब बीच में आ जाएंगे, और चौथे वाले से भी यही कहा जाएगा बीच में आ गए, और फिर एंड पे कौन पहुंच जाएगा, कनिष्क पोल्स पे सेंट्रियोल कौन पहुंच जाएगा, ये देखो सेंट्रियोल में बहुत सारे स्पिंडल्स होते हैं कि नहीं ऐसे, और यहां भी कौन पहुंच जाएगा सेंट्रियोल, तो वो अपने स्पिंडल यहां छोड़ेगा, अब आएगा ये तुम लोग जो दो भाई बन गए हो ना एक जैसे, चलो आधे मेरी तरफ आओ और आधे मेरी तरफ, इनको खींचना नहीं शुरू कर देगा, है ना, तो इसको क्या कहेंगे कि सेल डिवीजन करेगा, तो उसके लिए आगे क्या होने वाला है, नाउ ये तो आधा आधा खींचा जाएगा और आधा आधा दोनों तरफ, अब वो सेंट्रोमियर है जहां से जुड़े थे उसे क्या कहते हैं सेंट्रोमियर, तो यहां से खींचने लगेगा स्पिंडल, धीरे धीरे स्पिंडल सिकुड़ने भी लगेगा, तो ये देखो तो ये चार ऐसे ही इधर से खींच रहा है और ऐसे ही जो स्पिंडल है इधर से खींच रहा है, नाउ ये देखिए, तो ये जैसे भाई भी छड़ते हैं तो एक दूसरे की ओर देखते हैं कि नहीं कि हम लोग अभी तक साथ थे, अब बिछड़ वो खींच ले रहा है, ऐसे दूसरे वाले में यही होगा कि नहीं, तो ये देखो, और तीसरे में क्या होगा ये, तो बिल्कुल जो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा यही चीज दिखाया जाएगा। अब ये क्या होगा जब ये अलग अलग जाएंगे तो यहां पर एक फरो डेवलप होगा, पिलो में देखते हो सिकुड़न डेवलप होती है तकिया में बीच में, सिलवट पड़ जाती कि नहीं, तो ऐसे सिलवट पड़ेगी और इससे पता चलेगा कि न्यूक्लियस का डिविजन हो रहा है, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं ग्रीक में अमन बोलो, गैरियन, देखो अमन को हर चीज पता है और कोई नहीं बता पाया, इसीलिए तेज बच्चे तेजी होते हैं। अब देखो तो जैसा कि अमन ने बताया है कि न्यूक्लियस टूट रहा है तो उसको कैरियोकिनेसिस कहा जाए, यही बात तो अमन ने बताई कि ये इधर आ जाएगा आधा, और आधा किस में आ जाएगा, ये इसमें आ गया और आधा किस में आ गया, टूट गया, ये जो फरो था वो डेवलप हो गया, अलग अलग कर दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया बोलो, क्या दो पेयर हो गए येलो के, और क्या हो गए दो पेयर, ये पहले वाले के दो पेयर देखो अब उससे मिलने लग गया, और ये ग्रीन वाले के दो दो हैं कि नहीं दोनों के, अब दूसरा देखो ये दैट इज इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, देखो टेप भी लगाए तब भी बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है टेप लगाए अब फिर भी बता रहे हैं, ये कौन अभी बता रहा था आप बोलो मैम, कैरियोकिनेसिस, किनेसिस का मतलब टूटना,
कैरियोजेनेसिस, कैरियन है और उसका जेनेसिस। अब साइटोजेनेसिस टेक हटाइए तो अब इनमें फरो डेवलप होगा, किसमें, क्या सेल में फरो डेवलप होगा, इसको कहते हैं सिल्वर डेवलप होना या फरो, जो कहना चाहें। टेंथ में तो आप समझ ही जाओगे फरो हो गया, फिर ये टूट जाएगा और टूटने के बाद क्या होगा, क्या अब ये दो आइडेंटिकल सेल बन जाएंगे, तो ये जो दो आइडेंटिकल सेल बनी, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, ये ऐसा होगा, इनको क्या कहेंगे उत्तर, मदर सेल कहेंगे कि और कुछ कहेंगे, डॉटर सेल्स, अच्छा इनको टू डॉटर सेल्स कहेंगे, तो ये टू डॉटर सेल्स हैं, क्या ये जो टू डॉटर सेल्स हैं इनकी इंडिविजुअली प्लाइडी क्या क्या है, टू डॉटर सेल, और इनमें ये भी टू एन है और ये भी, और जो मदर सेल थी, मदर सेल ये थी, तो मदर सेल की क्या है प्लाइडी, मदर सेल, तो इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, जो मियोसिस है उसमें क्या हुआ होगा, क्या डीएनए रेप्लिकेशन हुआ होगा, क्या हुआ यहाँ पे बोलो, डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद क्या हुआ, कैरियोजेनेसिस, कैरियो टूटा ना, कैरियन, फिर क्या टूटा, साइटॉन, तो उसको क्या बोलेंगे, साइटो, लो बता दिया मैंने क्या बोला, साइटोन के टूटने को क्या बोला, साइटो, तीन चीज क्या क्या हुई श्रेया, रेप्लिकेशन, किसका रेप्लिकेशन, फिर साइटोन, चलो कोई बात नहीं, दिव्या बताओ, बोलो मैं, That is splitting of nucleus into two nucleus is called karyokinesis. And what is cytokinesis? Division of cell. Division of cell. Division of nucleus को कहेंगे karyokinesis. क्योंकि karyon किसका नाम होता है? Nucleus. That is karyon. Nucleus. और फिर अब इसके बाद साइटोन किसका है, तो ये जो चीज है, कोई भी सेल का दो सेम सेल में टूट जाना, क्या ये माइटोसिस है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, माइटोसिस। मान लो इसके बाद ये सब तो आपने देख लिया, अब इनके बाद रेप्लिकेशन ना हो और फिर क्या हो जाए, सिर्फ टूट जाए, मतलब क्या हो, इसके बाद क्या हो कि रेप्लिकेशन ना हो और टूट जाए, तो ऐसा हम लोगों के यही सेल हैं, लेकिन जब हमारे गोनाड में जाएंगे, मेल गोनाड, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल, तो ये फिर से टूट जाएंगे, कैसे टूटेंगे, अब ये चार सेल बना लेंगे, देखो कैसा इसमें होगा, इन सब से कहा जाएगा कि तुम लोग परेड करो, कैसे परेड करो जरा देखो, इनसे कहा जाएगा ये दो सेल है और दो सेल से क्या परेड करवाई जाएगी, कि भाई अब आप ऐसा करो, दो सेल है तो तुम में से सब लोग ऐसे ऐसे आ जाओ लाइन से, अब तुम लोगों को आधा आधा किया जाएगा ऐसे ऐसे, और दूसरे में भी क्या कहा जाएगा कि आधा आधा हो जाएगा, और फिर से स्पिंडल चलेगा क्या, और आधा आधा खींच लेगा, ये देखो कि स्पिंडल ने आधा खींच लिया उधर, आधा खींच लिया उधर, तो फिर कितने क्रोमोसोम बच जाएंगे, देख लो यहां से स्पिंडल यहां से चला, ये सेंट्रियोल है, इसको खींच लिया, और यहां के सेंट्रियोल ने क्या कर लिया, इसको खींच लिया और इसको खींच लिया, इसने इसको खींच लिया, तो फिर क्या होगा, रेप्लिकेशन तो हुआ नहीं, तो इससे क्या होगा, रिडक्शन इन जेनेटिक मटीरियल नहीं हो जाएगा, आधा ही आधा बचेगा, तो इससे क्या होगा, फिर बोलो आगे, ये एक दो में, तो ये और ये मिलके अब कैसे हो जाएंगे बताओ, अलग अलग नहीं हो जाएंगे, तो इसमें आधा इधर
और आधा इधर, और इसमें भी क्या होगा, आधा इधर और आधा, ये तो समझ में आ गया है। तो फिर एक इसमें रेड रह जाएगा, और मतलब एक ये रह गया, और फिर एक 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 दोनों में, और एक एक ग्रीन रह गया। वो दोनों आपस में एक साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि डिफरेंट क्रोमोसोम है, तो कहेंगे हम तो साथ नहीं रहते। जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसे वन वन नंबर का एक साथ टू टू, एक साथ थोड़ी रहेंगे, वो कहेंगे हम लोग तो डिफरेंट हैं। तो ये हो गया। अभी अब कुछ होने वाला है, सुना कि अब कुछ नहीं होगा, ये तो कैरियोकिनेसिस हुई ना, अब क्या होने वाली है, तो साइटोकिनेसिस होगी। तो फिर ये अब फिर ऐसे टूट जाएंगे, एक सेल और दो सेल, और ये भी किसमें टूट जाएगी, दो सेल में। तो वास्तव में जब आप, अब आप मियोसिस देखो, ये हम लोग मियोसिस देख रहे हैं, तो मियोसिस में क्या होगा, क्या वही एक मदर सेल चार डॉटर सेल में टूट जाएगी, देख लो, तो एक ग्रीन और साथ में एक ब्लू, तो ये हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है। पेयर में नहीं दिखा रहे हैं, मैं साथ में दिखा रहे हैं, जिससे कभी आपको ये धोखा ना हो जाए कि पेयर वाले है ही नहीं है कभी। तो ये फोर सेल है, फोर हैप्लॉइडिक सेल, एक ये था डाइप्लॉइडिक, अब कितने बन गए, फोर, तो फोर हैप्लॉइडिक सेल, जो ये सब एनएन क्रोमोसोम वाले हैं। ये कौन है, ये सब सेक्स सेल हैं, या फिर ये गेमीट हैं, या जर्म सेल, इनके तीन नाम, क्या नाम है बोलो, सेक्स सेल, गेमीट या जर्म सेल, वो सेक्स सेल, गेमीट या जर्म सेल, तुम बात समझ में, ये कौन सा सेल होगा, ये मदर सेल तो मैंने लिख दिया, ये हमारी बॉडी का सेल है, को बॉडी सेल, बॉडी सेल सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, वरना इसको स्टेम सेल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, सोमा सेल। तो इससे अगर पूरी बॉडी में, इसी से तो हमारी बॉडी के स्पर्म एंड एग बनते हैं। तो यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं माइटोसिस। तो यहां से यहां तक हो गया माइटोसिस, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बिना रेप्लिकेशन के, अगर रेप्लिकेशन के बाद एक बार टूटे सेल, तो उसको कहते हैं कि माइटोसिस, दो बार टूटे, एक बार टूटा और फिर से और टूट गया, रेप्लिकेशन नहीं किया। मान लो रेप्लिकेशन टूटना हुआ, तो कह दो हाँ माइटोसिस हो रही, सब काम अच्छा हो रहा है। और मान लीजिए रेप्लिकेशन हुआ, एक बार टूटा और एक बार और टूट गया बिना रेप्लिकेशन के, तो फिर आधी नहीं हो जाएगी मां। तो मियोसिस क्या है, मियोसिस की डेफिनेशन, मदर सेल ब्रेक्स डाउन इनटू फोर, ये फोर डॉटर सेल में टूट जाए, फोर जबकि सेक्स सेल, ठीक है, तो इसे माइटोसिस कहते हैं। इट इज डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन हुआ, फॉलोड बाय माइटोसिस वन प्लस माइटोसिस टू, माइटोसिस वन प्लस माइटोसिस, दो बार टूट गया ना, एक बार डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो डबल होके टूट जाए, तब तो फिर से बराबर ही हो जाए, और डबल होके एक बार टूटे और टूट जाए, तब तो आधा हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ गई बात कि नहीं। सो दिस इज माइटोसिस वन एंड माइटोसिस टू, आप इस फिगर को बनाए, हम आपको पेपर दे रहे हैं, दो पेन हो तो ठीक है, नहीं तो हमसे इसके चले जाए, मतलब दो कलर आपको दिखा, और ये डायग्राम बोर्ड पे रहेगा, बस बिना गलती किए आपको बनाना है। कुछ नहीं, वो हम अलग से दिखाएंगे माइटोसिस, सिर्फ आपको फिर फिगर बनाना है। पेंसिल प्ले ब्रेकिंग डाउन ऑफ
मदर सेल इनटू टू डॉटर सेल इज कॉल्ड माइटोसिस. सच काइंड ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल. इन दिस डीएनए रेप्लिकेशन होता है और फॉलोड बाई, और उसके बाद क्या होता है, सेल डिवीजन. जबकि इसमें क्या है, इनटू फोर सेक्स सेल, ऐसे लिखना, फोर गेमीट्स लिख सकते हो, सेक्स सेल, जर्म सेल लिख सकते हो, ठीक है. इस कॉल एक से दो बने तो माइटोसिस, एक से चार बने तो चार बना है, इस कॉल्ड मियोसिस. इसमें क्या चीज होगा, द फॉर्म्ड सेल्स या प्रोड्यूस्ड सेल्स आर हैप्लॉइडी. ये कैसी होती हैं, हैप्लॉइडिक होती हैं. और इसमें क्या होता है, इन दिस डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन वन प्लस सेल डिवीजन टू टेक्स प्लेस. माइटोसिस से सेल डिवीजन बाय सेल डिवीजन वन प्लस सेल डिवीजन टू टेक्स प्लेस. तो अगर आएगा तो इनकी दोनों की डेफिनेशन आएगी और दो दो डिफरेंस आएंगे. तो डिफरेंस लिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूं वैसे सेल डिवीजन. प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये देखो, माइटोसिस इज द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लिया. It is divided into four key phases. Prophase, metaphase, as after the complete period is called interphase. सबसे पहले क्या आपका बोलो? ये क्रोमाटिन है. अच्छा, इनका रेप्लिकेशन हो गया. Two sister chromatids join together at the centromere. वो जो दो बने वो sister chromatids. Disappears and the nuclear membrane starts to break down. अब इनकी परेड होगी. इनको सबको कहाँ आना पड़ेगा, देखो सेंट्रियोल को सेंट्रियोसोम भी कहते हैं, सही है, ये पोल पे चले जाएंगे क्या, और ये मेटाफेज बीच वालों से क्या कहेंगे, मेटाफेज माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ द स्पिंडल इंटरैक्ट विद क्रोमोसोम्स. देखो वो जो सबसे निकले हुए स्पिंडल है क्या, वो इनको पकड़ लेंगे, सभी बीच में चले आए. Move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, phase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei are bound around the nuclei. This triggers the reformation of the nuclear membrane. So, पहले दो nucleus बने, अब फरोडेल का हुआ. Cytokinesis. क्या ये cytokinesis है? Cytokinesis is the function of the cytokinesis. In animals, a cleavage
एक्चुअली में कैसा रखता होगा अगर सेल डिवाइड होता हो, ये देखें, मान लीजिए अभी दे रहा हूँ, तो सेल डिवीजन जो भी है कैसा हो, माइटोसिस अंडर माइक्रोस्कोप, अलग अलग सेल बनते रहते हैं, ये देखो ये अच्छा दिखा रहा है, ये बीच में क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो क्रोमोसोम होगा, अब देखो तुम एक से दो बनने लगे ऐसा कहीं लग रहा है, हर एक में दो दो सिस्टर क्रोमोसोम्स, यानी रेप्लिकेशन हो गया होगा, अब ये बीच बीच में आ गए सारे, अभी ये आ जाएंगे बीच बीच में, तो फिर क्या होगा अगर बीच में आ गए, इक्वेटर पे आ गए ये, फिर आधे आधे खींचे जाएंगे, वो खींच ली गए है कि नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये एक्चुअल में ये 90% है। अच्छा ये दोनों डेफिनेशन याद करो, ये दोनों चलो अभी इसको भर के दिखाओ ये दोनों डेफिनेशन,
नहीं पहला क्वेश्चन है कि मे के कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, क्या ये हो चुका है? यस सर। सेकंड देखो, प्रोकैरियोटिक सेल भी हो चुका है। थर्ड देखिए कि व्हाट वुड हैपन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन, पीपीटी कहते हैं एक जैसे क्वेश्चन है, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन ये कंट्रोल करती है, इट अलाउड सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू इट एंड डज नॉट अलाउ, इट अलाउड सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू इट and does not allow harmful material to pass through it. तो जो इसके लिए beneficial material उनको तो आने देती है, लेकिन जो खराब उनको नहीं आने देती है, other materials. To pass. In case इट रप्चर्स या ये बस्ट हो जाए, दोनों का एक ही मतलब है, रप्चर्स या बस्ट, देन देयर वुड बी नो कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस, तो ऐसे में क्या होगा, देन देयर वुड बी no control over the substance coming inside cell. Inside cell. The basic function of cell will stop. या ये भी कह सकते हो नाउ सेल कैन विल नॉट वर्क फंक्शन प्रॉपरली, नाउ सेल कैन नॉट, कोई भी चीज, कोई तुम्हारे घर में आता जाता रहे तो तुम अपने घर का काम कर पाओगे? चार भीड़ लग जाए तो हम गेट खोल के रखे हैं, कुत्ते भी आ रहे हैं, बिल्ली भी आ रहे हैं, गाय भी आ गई, तो काम कर पाओगे? तो सेल कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब केमिकल ही बदल जाएगा, जो होना चाहिए वो नहीं, साइटोप्लाज्म ही नहीं, कुछ और ही पानी चला आ रहा है, अंदर का साइटोप्लाज्म निकल गया, पानी भर रहा है, तो केमिकल कंपोजिशन बदल गया कि नहीं? इट्स केमिकल कंपोजिशन इज डिस्ट्रॉयड एंड अल्टीमेटली सेल विल डाई, इसलिए अल्टीमेटली सेल विल, ऐसे में पता चला लाइसोजोम भी बाहर ही चला गया, तो बस्ट भी नहीं हो पाया, अंदर ही हो और लेकिन उसके कुछ चीजें मर जाए, कुछ हो तो बस्ट करे, नहीं खुल जाएगा तो लाइसोजोम भी क्या करेगा? What would happen to the life of cell? अगर कोई गांजी apparatus ना हो, if there is no Golgi apparatus, then storage lacking and modification of the substance formed at endoplasmic reticulum will not occur. Of the substance made at ER, जो ER में कर कोई तो को करता है सब, will not take place, will not
लाइसोसोम भी नहीं बन पाएगा क्योंकि उन्हीं से मिलकर तो लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम भी आल्सो नॉट फाउंड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं बन पाएगी क्योंकि वहीं पे वो भेजता है। फिर तो सेल भी नहीं बन पाएगी। आल्सो नॉट बी फाउंड ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। Which organelle is known as power house of a cell? Mitochondria is known as power house of the cell. It breaks down glucose. प्लास्टिक में ग्लूकोज बनते हैं, हमने नहीं देखा था कल एक वीडियो में कि ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। And supplies it to various cell organelles क्योंकि सबको काम चाहिए। And supplies it to various cell organelles. उनके सेल प्रोसेस के लिए तो ये चीज है। So it is called powerhouse of the cell. आगे देखो, ATP is also known as energy currency of cell. ATP is also called energy currency of cell. तो energy का ये काम पूरा करता है। Where do the lipids and protein get synthesized? Lipid कहाँ बनता है? Lipid is made at smooth, पूरा ही लिख देना, smooth endoplasmic reticulum। और दूसरी चीज क्या पूछी गई है? Protein। Protein is made at rough endoplasmic reticulum। How does an amoeba obtain food? ये करा दिया कि नहीं? डायग्राम के साथ नोट लिखा दिया पूरा इसके। अच्छा ठीक है। Now देखो, what is osmosis? है ना? वाटर का जो मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू सही है। Now मतलब चार पोटैटो लो और उसको कैसे रखो, उसमें स्कूपिंग कर दो, बीच में चम्मच से छील दो ऐसे, और फिर उनको अलग अलग चीजों में रखो, स्कूपिंग कर दिया चार पोटैटो। और एक पोटैटो कैसा है? ए बी सी डी है। सो कीप कप ए एम्प्टी, इनको किस में रख दो? कप में, कप में रख, और इसमें कुछ ना डालो, इतना पे है। वन टेबल स्पून शुगर इन कप बी, तो टेक स्कूप लेवल आउट ऑफ दिस शुड बी मेड ए बॉइल्ड पोटैटो। यू कैन वन ऑफ दीज कप्स आर कुक ईट पोटैटो इन ट्रफ कंटेनिंग वाटर। इन सब में पानी भरा है, इन सभी में क्या भरा है? तो पानी तो सब में भरा हुआ है, लेकिन पहले वाले स्कूप में कुछ डालना नहीं है ऐसे, तो इसके अंदर कुछ नहीं डालना है स्कूप। और दूसरे में क्या डाल दो? चीनी। तो अगर इसमें शुगर डाल दोगे तो फिर बाहर ये लो कंसेंट्रेशन है, हाई कंसेंट्रेशन, तो अंदर पानी आता जाएगा,
अभी ये फट जाएगा बिल्कुल फुल, जबकि अंदर चीनी ज्यादा हो गई ना, अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया, सिरप बन जाएगा अंदर, तो फिर बाहर से पानी अंदर नहीं जाएगा सिरप को करने के लिए। और तीसरा में क्या लो, सॉल्ट लेने से भी वही हाल है, तो भी क्या पानी अंदर आएगा। और चौथे में बॉइल ले लो, पुट वन टीस्पून इन द बॉइल्ड कप, ये बॉइल्ड है, बॉइल्ड में कुछ नहीं होता, सारे सेल तो मर गए ना, बॉइल में ऑस्मोसिस थोड़ी होती है, फ्रेश सेल में होती है। अब उसमें भी चीनी डालो तो क्या होगा बोलो, कुछ नहीं होगा शुगर, तो ए में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो क्योंकि उसमें अंदर आपने कुछ डाला नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। नाउ नो वाटर विल गैदर, गैदर का मतलब इकट्ठा होगा, इन स्कूप ए, ए में कोई पानी नहीं आएगा, अभी क्या होगा, इन बी एंड सी वाटर विल गेट इनसाइड स्कूप, और चौथे वाले में ये उबला है तो इसमें क्या होगा, नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, ये ड्यू टू ऑस्मोसिस हुआ ना, ड्यू टू ऑस्मोसिस। और डी में क्या होगा, नो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस एज पोटैटो इज बॉइल्ड, तो जो बॉइल है तो सेल तो डेड हो गए हैं। अच्छा कंट्रोल रूम ऑफ द सेल किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, स्टोरेज सैक ऑफ द सेल किसे कहते हैं, स्टोरेज जहां चीजों वैक्यूल को, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल, लाइजोसोम, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्टेशन चैनल ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही एक चैनल है, मतलब ये तो ठीक है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वो नदी है साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन चैनल का पूरे तो न्यूक्लियस को घेरे तो उसको साइटो, ठीक है इतना ही रखना। एक बच रहा है कौन सा है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, बोलो ग्रोथ के लिए कौन सा चाहिए सेल डिवीजन, बताएगा कोई, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए माइटोसिस चाहिए, सो माइटोसिस टाइप ऑफ, माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर growth and repair of body, growth and repair of body, और दूसरा क्या कहा है, while formation of gamete या germ cell या sex cell बनाना है तो हमको उसमें फिर सिंगल सिंगल लेने पड़ेंगे, वहां भी डबल होंगे तो फिर माँ बाप के पास डबल तो बच्चे के पास तो चार गुना हो जाएंगे, भीड़ थोड़ी बढ़ानी है कि बॉस की, इतने सारे क्रोमोजोम होंगे तो वो कहाँ बॉस ही बॉस भर जाए किसी कंपनी में तो काम करने देंगे ठीक से, तो इसलिए क्या हमें करना पड़ेगा कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ द नीड चाहिए क्या, मियोसिस इज रिक्वायर्ड, ये दोनों सेल डिवीजन के प्रकार है ना, सो मियोसिस के बाद मोशन कराएंगे, मोशन के बाद इसके प्राइस आपको कल दिए जाएंगे, एक बार चंदन की कॉपी चेक हो जाएगी फिर देख लेंगे कौन फर्स्ट आता है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर।